पी डी एम की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की सैनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की तजवीज़ के बाद अब मुस्लिम लीग नून में भी इलेक्शन बाइकॉट के मामले पर तकसीम दिखाई दे रही है। मालूम हुआ है कि नवाज लीग में एक बड़े ग्रुप ने पीपल्स पार्टी के उस मौकफ़ की हिमायत कर दी है कि हुक्मरान जमात के लिए सैनेट का मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। याद रहे कि सैनेट इलेक्शन के बाइकॉट की तजवीज़ पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने पेश की थी, जिसे इब्तदाई तौर पर नवाज शरीफ ने तस्लीम कर लिया था, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने यह मौकफ इख्तियार किया था कि किसी भी इलेक्शन का बाइकॉट नहीं किया जाना चाहिए और अगर कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं तब भी ज़िमनी और सैनेट इंतखाबात में हिस्सा जरूर लिया जाए। आसिफ अली जरदारी का यह मौकफ है कि अगर अपोजिशन के तमाम अराकीन भी असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाएँ तो भी हुकूमत सैनेट का इलेक्शन कानूनी और आईनी तौर पर करवा सकती है, लिहाजा हुकूमत को यह मौका नहीं देना चाहिए कि वो असम्बलियों से हमारे इस्तीफों के बाद सैनेट में अक्सरियत हासिल कर ले। आसिफ जरदारी की तजवीज़ के मुताबिक तमाम अपोजिशन जमातों को सैनेट इलेक्शन में मुशतरका तौर पर हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की जमात इमरान खान को इख्तदार से निकालने के लिए दबाव बढ़ाने की खातिर तमाम मुंतखब अवानों से इस्तीफे देने का मौकफ अपनाए हुए थी। ताहम मौलाना और मियाँ साहब ने अपने मौकफ में उस वक्त लचक दिखाने का इशारा दिया जब पीपल्स पार्टी ने ऐवान बाला को पीटीआई के लिए खुला छोड़ने पर 18वीं तरमीम के रोल बैक होने का खतरा जाहिर किया और ये तजवीज़ दी कि अपोजिशन जमातों को मैदान में रहना चाहिए और सैनेट इंतखाबात के लिए अपने इम्कान को बेहतर बनाने के लिए सूबाई असम्बली की मुख्तलिफ नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। उधर ये इंकशाफ हुआ है कि मरियम नवाज के कुछ करीबी लोग भी अब सैनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। ये इंतखाब मार्च के पहले 15 दिनों में तब मुतवक्के है जब 104 सैनेटर्स में से 52 की 6 साल मुद्दत पूरी हो रही है। पंजाब असम्बली में अपने 165 एमपीएस की मौजूदा ताकत के साथ नवाज लीग पंजाब से सैनेट की 4 जनरल नशस्तें जीत सकती है क्योंकि सैनेट इंतखाबात के लिए सूबाई असम्बलियां इलेक्टोरल कॉलेज का काम करती हैं। मार्च में अपनी 6 साल मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर होने वालों में मुस्लिम लीग नून के राजा जफरुल हक, परवेज रशीद और मुशाहिदुल्ला खान वगैरह शामिल हैं, लिहाजा ये पार्टी का यादत के लिए मुश्किल होगा कि वो मुस्लिम लीग के लिए इन बुजुर्ग रहनुमाओं की खिदमत को नज़रअंदाज करें और इन्हें अगली मुद्दत के लिए टिकट्स अवार्ड ना करें। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता सैनेट इंतखाबात में पंजाब के कोटे से मुशाहिदुल्ला खान, निहाल हाशमी और सलीम ज़िया को शामिल किया था जो कराची से ताल्लुक रखते थे। ताहम उन्होंने इंतखाबी मुकाबले के लिए अहल होने के लिए अपने वोटों को बिलतरतीब पंजाब के शहरों रावलपिंडी, जेहलम और मरी मुंतकिल करा लिया था। इसी तरह आने वाले मुकाबले के लिए मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपने वोट्स पंजाब मुंतकिल करा लिए हैं और वह मुकाबले के लिए पार्टी टिकट हासिल करने के लिए क़यादत के साथ लॉबिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सैनेट इलेक्शन में हिस्सा ना लेने के हिमायती ज्यादातर लीगी लीडर पंजाब से हैं जो ये नुक्ता पेश करते हैं कि अगर हम सैनेट इंतखाबात का बाइकॉट करते हैं तो पार्टी को इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। वो जोर देते हैं कि पंजाब से सैनेट की 4 जनरल नशस्तें जीतने के बाद भी वो सैनेट में कायदे हिजब इख्तलाफ का मनसब बरकरार रखने के काबिल नहीं होंगे। उनके मुताबिक पीटीआई हुकूमत को हटाने के नतीजे में इक्तदार में आने के बावजूद उनकी जमात को तमाम मामलों में आने वाला में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ कानून साजी के लिए समझौता करना पड़ेगा, लिहाजा उनका मानना है कि पार्टी को दीगर ऑप्शंस देखने की बजाय इमरान खान हुकूमत के मुसाफी होने के लिए दबाव बढ़ाने के लिए तमाम मुंतखब अवानों से इस्तीफे देने के लिए अपने उसूली फैसले पर हर सूरत कायम रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ जरदारी के इस मौकफ को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि अगर अपोजिशन ने सैनेट इलेक्शन का बायकॉट करके हुकूमत को फ्री हैंड दे दिया तो वह अक्सरियत की बुनियाद पर 18वीं तरमीम का खात्मा कर सकती है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।